दोस्तों, क्या आपको पता है स्पेस कितनी रहस्यमयी जगह है और हमारे तुम्हारे जैसा नॉर्मल इंसान स्पेस में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्पेस एडवेंचर मूवीज बताऊंगा जिन्हें आप लोग घर में बैठे बैठे देखकर स्पेस में जाने का मजा उठा सकते हैं। तो अपना स्पेस सूट पहनिए और मेरे साथ अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप सच में एक स्पेस लवर हो तो ये 5 स्पेस एडवेंचर मूवीज आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नई नई और बेहतरीन मूवीज़ और वेब सीरीज़ के बारे में पता चल सके। तो चलिए आज की ये स्पेस एडवेंचर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट की पहली मूवी है द मार्शियन, जो कि 2015 में आई थी और ये एक शानदार स्पेस एडवेंचर मूवी के साथ साथ एक सांसें थमा देने वाली सर्वाइवल मूवी भी है। स्टोरी है जब एक बंदा स्पेस मिशन के दौरान मार्स पर फंस जाता है और उसकी टीम उस बंदे को मरा हुआ समझकर उसे वहीं छोड़ के वापस चली जाती है। अब ये बंदा मार्स पर अकेला फंस गया है बिना किसी खाने और पानी के और ना ही वो अर्थ पर किसी से कॉन्टैक्ट कर पा रहा है। अब ऐसी खतरनाक सिचुएशन में ये बंदा कैसे मार्स प्लानेट पर आलू उगाता है और कैसे वो वहाँ पानी बनाता है खुद को उस प्लानेट पर जिंदा रखने के लिए, ये देख के आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हो कि अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगली मूवी है ग्रेविटी, जो कि 2015 में आई थी। भाई इस मूवी का एक एक सेकंड आपकी जान हलक में ला देगा कि अब आगे क्या होने वाला है, यही सोच सोच के आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लगेंगी। और इस मूवी को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि आप खुद स्पेस में तैर रहे हो, इतने कमाल के रियलिस्टिक सीन देखने को मिलेंगे आपको इसमें। कहानी में देखने को मिलेगा कि जब स्पेस में कुछ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट काम कर रहे होते हैं तो उनकी जान पर कितना ज़्यादा खतरा होता है और क्या वो लोग उस खतरे से अपनी जान बचा पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा। इसमें आपको कमाल के विजुअल और एकदम रियल दिखने वाले सीन्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। नेक्स्ट मूवी है एड एस्ट्रा, जो कि 2019 में आई थी और ये एक कमाल की साइकोलॉजिकल साइंस फिक्शन मूवी है। इसकी कहानी में दिखाया गया कि फ्यूचर में इंसानों ने एक ऐसा टावर बनाया है जिसकी मदद से आप लोग स्पेस में आसानी से जा सकते हैं और इतना ही नहीं, आप लोग धरती से चांद तक आसानी से एक स्पेस फ्लाइट के जरिए भी जा सकते हैं। और तो और चांद पर कौन सा हिस्सा किसका होने वाला है इसके लिए भी सभी देश आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। और इसी बीच स्पेस में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। अब आगे क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखना होगा। अगली मूवी है 2001 आ स्पेस ओडिसी और ये 1968 में आई थी और ये एक ऐसी कमाल की मूवी है जिसने पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री को बदल के रख दिया था, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। इसकी स्टोरी में हमें शुरुआत में बंदर दिखाए गए हैं और हम लोग कैसे बंदर से इंसान बने और उसके बाद कैसे स्पेस तक पहुंचे, ये पूरी जर्नी को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। और आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि ये मूवी 1968 में आई थी और उसके हिसाब से इसने फ्यूचर की ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लिया था जो कि आने वाले सालों में होने वाली हैं। और इसका एक टाइम ट्रेवल वाला सीन तो इतना ज़्यादा फेमस था कि जिसे देखने के बाद आपको इतनी ज़्यादा रियल वाली फीलिंग आएगी कि ये सब सच में हो रहा हो। ओके, तो अब अगली मूवी है इंटरस्टेलर, जो कि 2014 में आई थी और भाई ये अभी तक की बनाई गई दुनिया की सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी मानी जाती है और इसको देखने के बाद आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि स्पेस को लेके आपके मन में होंगे, जैसे कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा और अगर आप लोग वर्म होल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा और अगर आप किसी ऐसे प्लैनेट पर जाएंगे जहाँ का एक मिनट धरती के 7 साल के बराबर हो तो क्या होगा। और ये एक ऐसी पहली फिल्म है जिसमें ब्लैक होल को दिखाया गया है और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुछ सालों बाद नासा ने भी ब्लैक होल के बारे में वही बताया था जो कि इस मूवी ने ब्लैक होल के बारे में पहले ही बता दिया था। तो आप लोग जल्दी से जाके इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखो। और अगर आपको इनके अलावा भी कोई और स्पेस मूवी पसंद आई है जो कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कोशिश करूँगा मैं उसको अगले वीडियो में कवर करने की। और इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।